गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। ब्लॉक गलारी के सभागार में आज गोद भराई की रस्म अदा की गई, जिसकी अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती सुनीत कुमारी ने की। उन्होंने बताया कि यह गोद भराई की रस्म आंगनबाड़ी केंद्रों पर होती है। यह गर्भवती महिला की अपनी आहार लेने की व्यवस्था है, इसमें सरकार के द्वारा 250 रुपये दिए हैं। अन्नप्राशन 6 माह के बाद बच्चों को ऊपरी आहार की जरूरत होती है, जिसमें इन्हें गर्भवती महिलाओं के अन्नप्राशन बच्चों की माताओं को यह सब बताती है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। 6 महीने तक माँ दूध अपने बच्चे को पिलवाएगी, दूध के सिवा कुछ नहीं पिलाएगी, लेकिन 7वें महीने में बच्चों को ऊपरी आहार गांडी दाल, भीदड़ी दलिया, केला यह सब खिलाएं, लेकिन 2 वर्ष तक माँ का दूध जारी रहता है। ये गोद भराई आंगनबाड़ी केंद्रों पे होती है। ये गर्भवती महिला की मतलब ऊपरी आहार लेने की व्यवस्था है, इसमें सरकार के द्वारा 250 रुपये दिए जाते हैं। अन्नप्राशन का मतलब होता है कि 6 महीने बाद बच्चे को ऊपरी आहार की जरूरत होती है, जिसमें इन्हें गर्भवती महिलाओं और अन्नप्राशन में बच्चों की माताओं को ये सब बताती हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हितकारी होता है। 6 महीने तक माँ अपने दूध बच्चे को पिलाएगी, दूध के सिवा कुछ नहीं पिलाएगी, लेकिन 7वें महीने से बच्चे को ऊपरी आहार तरल गाढ़ी दाल, खिचड़ी, दलिया, केला, मसल के ये सब शुरू हो जाता है, लेकिन 2 साल तक माँ का दूध जारी रहता है। ऊपरी आहार के साथ साथ माँ का दूध जारी रहता है। ठीक है।